SSCET में इस बार कोई कोई सा ऐसा पोस्ट है जिसमें एक भी वैकेंसी नहीं है, और कुछ लोग गलती करके उसी में ऑनलाइन करा देंगे, फिर आने वाले समय में पछताना पड़ेगा। तो आप लोगों को सोच समझ कर इसमें ऑनलाइन कराना है। जय हिंद एवरीवन। बहुत सारे लोगों को पता चल गया होगा, लेकिन ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको SSCET भर्ती के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वैसे कल ही से यूट्यूब पर धमाल मच चुका है कि SSCET की भर्ती आ चुकी है, इसमें इतना एज मांगा है, इतने लोगों को हाइट में छूट मिलेगा और इतने लोगों को एज में छूट मिलेगा। और देखो, पता है जितने लोग भी इसमें फार्म भरने वाले हो, पहला नंबर तो ये भर्ती पूरे भारत के मेल और फीमेल सभी लोगों के लिए है। अभी 84,000 वैकेंसी बोली जा रही थी, उसके बाद से 56,000 वैकेंसी बोली जा रही थी, लेकिन फाइनल 24,369 वैकेंसी निकाली गई है, और इसमें मेल और फीमेल सभी लोगों के लिए निकाली गई है। कोई कोई ऐसा वैकेंसी है ना, जैसे आसाम राइफल का हो गया, तो आसाम राइफल मेल और फीमेल सभी लोगों के लिए निकाला गया है, लेकिन फीमेल के लिए एको सीटीए नहीं है, और कोई लोग गलती से जाकर उसी में फार्म भर देंगे तो कोई मतलब निकलेगा? कोई भी मतलब नहीं निकलेगा मेरे भाई। देखो किस में कितना वैकेंसी निकाला गया है और किस कैटेगरी के लिए कितना वैकेंसी है, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप इसी वीडियो में बता दूंगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद SSCET भर्ती को लेकर आपके मन में जितना भी डाउट है सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। जितने लोग NCC सर्टिफिकेट लेकर बैठे हुए हैं उन लोगों को भी कुछ परसेंट पेपर में छूट मिलेगा, जो लोग NCC B करके बैठे हुए हैं उन लोगों को भी कुछ परसेंट छूट मिलेगा, और जो लोग NCC A किए हुए हैं उन लोगों को भी पेपर में कुछ परसेंट छूट मिलेगा, और कुछ लोगों को हाइट में भी छूट मिलेगा। तो सारा का सारा चीज मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बता दूंगा। अभी चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। ये रहा SSCET का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इस नोटिफिकेशन में जिसको जिसमें जितना छूट दिया गया है उसके बारे में पूरा बारीकी से लिख दिया गया है, तो आप लोग पूरे नोटिफिकेशन को अच्छे से देख लेना। ये नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, जितने लोग टेलीग्राम चैनल में जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों को ये नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएगा, और जितने लोग नहीं जुड़े हैं जुड़ जाना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से है। अब देख लेते हैं इसमें कितना पोस्ट निकाला गया है। तो देखो BSF, CISF, CRPF, SSB, ITBP, आसाम राइफल और SSF का पोस्ट निकाला गया है, ठीक है ना, और नीचे एक NCV का दिया हुआ है। अब किस में कितना वैकेंसी है वो भी पूरा डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है, तो अभी इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि किसको किस में कितना छूट दिया गया है। अगर आप SC ST कैटेगरी से आते रहोगे तो आपको एज में 5 साल का छूट मिलेगा, और अगर आप OBC के कैटेगरी से आते रहोगे तो 3 साल का छूट मिलेगा, और एक्स सर्विस मैन वालों को भी 3 साल का छूट मिलेगा, ठीक है ना। और जितने लोग भी NCC के बारे में पूछ रहे थे कि भाई हमारे पास NCC B का सर्टिफिकेट है, NCC A का सर्टिफिकेट है या NCC C का सर्टिफिकेट है, तो हमको कितना छूट मिलेगा, तो देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है। अगर आपके पास NCC C का सर्टिफिकेट है तो आपको 5% का छूट मिलेगा, अगर आपके पास NCC B का सर्टिफिकेट है तो आपको 3% का छूट मिलेगा, अगर आपके पास NCC A का सर्टिफिकेट है तो आपको 2% का छूट मिलेगा, ठीक है ना। और कुछ लोगों को हाइट में भी छूट दिया गया है, तो उसको भी मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। ये पूरा का पूरा एग्जाम सेंटर के बारे में बताया गया है कि आपका पेपर कहाँ पर होने वाला है, तो वो सारी चीज़ें आप लोग देख लेना, ठीक है ना। अगर एक एक करके बताने लगूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए जितना इंपॉर्टेंट बात है वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, पेपर में क्या क्या पूछे जाएंगे वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। अब बात कर लेते हैं कि किसको हाइट में छूट दिया गया है। देखो यहाँ पर दौड़ के बारे में बताया गया है, तो इसको भी आप लोग देख लो। जैसे पेपर जब निकाल दोगे ना, तो लड़कों का दौड़ 5 किलोमीटर कराया जाएगा जिसमें 24 मिनट का टाइम मिलेगा, और लड़कियों का दौड़ 1600 मीटर का कराया जाएगा जिसमें 8.5 मिनट का टाइम मिलेगा। और लद्दाख को छोड़कर अगर आप लद्दाख राज्य से रहोगे तो फिर लड़कों का दौड़ 1600 मीटर का कराया जाएगा जिसमें 6.5 मिनट का टाइम मिलेगा, और लड़कियों का दौड़ 800 मीटर का कराया जाएगा जिसमें 4 मिनट का टाइम मिलेगा, ठीक है ना, सिर्फ लद्दाख वालों के लिए। तो इसको भी आप लोग देख लेना। वैसे अगर पूरे भारत में किसी भी राज्य से रहोगे तो लड़कों का हाइट 170 सेंटीमीटर लगता है और लड़कियों का हाइट 157 सेंटीमीटर लगता है, लेकिन ये जितना भी राज्य का नाम दिया है, एरिया का नाम दिया है, अगर इस एरिया से आते हो, इस राज्य से आते हो, तो किसी का, जैसे यहाँ लड़के का दे दिया है, यहाँ लड़की का दे दिया है, किसी का 162.5 सेंटीमीटर मांगा है और फीमेल में 150 सेंटीमीटर मांगा है, अगर यहाँ से आते रहोगे तो इन लोगों का मतलब 157 सेंटीमीटर लड़कों का मांगा है और फीमेल का 147 सेंटीमीटर मांगा है, तो काफ़ी ज़्यादा छूट है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आप लोग देख लेना कि इसमें से आपका कोई राज्य है या नहीं है। अगर मतलब इसमें से आपका कोई भी राज्य रहेगा तो आपको हाइट में काफ़ी ज़्यादा छूट दिया जाएगा, वो सारी चीज़ें आप लोग देख लेना, ठीक है ना। ये भी यहाँ पर दिया गया है, तो इसको भी आप लोग देख लेना। जैसे लद्दाख, जम्मू कश्मीर, जो लोग पहाड़ी क्षेत्र से रहते हैं, आसाम से, उन लोगों को हाइट में काफ़ी ज़्यादा छूट दिया जाता है, और इसमें आपका
आपका नॉर्मल सीना 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फुलाना पड़ता है, ठीक है ना। ये तो सारी भर्तियों में की जाती है, तो आप लोग एकदम अच्छे से समझ लेना। यहाँ पर ये दिया है कि किस कैटेगरी के लिए कितना वैकेंसी निकाला गया है और लड़कों के लिए कितना वैकेंसी निकाला गया है और लड़कियों के लिए कितना वैकेंसी निकाला गया है। देखो ऊपर लिखा गया है SSC GD कांस्टेबल मेल, मतलब लड़कों के लिए BSF में UR कैटेगरी के लिए 3733 वैकेंसी निकाला गया है, EWS के लिए 887 वैकेंसी निकाला गया है, OBC के लिए 1980 वैकेंसी निकाला गया है, SC के लिए 1405 वैकेंसी निकाला गया है और ST के लिए 917 वैकेंसी निकाला गया है। तो टोटल मिलाकर BSF में मतलब 8922 वैकेंसी लड़कों के लिए निकाला गया है और किस कैटेगरी के लिए कितना वैकेंसी निकाला गया है ये तो मैं आप लोगों को बता ही दिया हूँ। अब बात कर लेते हैं जैसे लड़कियों के लिए BSF में किस कैटेगरी के लिए कितना वैकेंसी निकाला गया है, तो इसमें UR के लिए आपका 661 वैकेंसी निकाला गया है और EWS के लिए 158 वैकेंसी निकाला गया है, OBC के लिए 348 वैकेंसी निकाला गया है और SC के लिए 245 वैकेंसी निकाला गया है, ST के लिए 163 वैकेंसी निकाला गया है। तो टोटल मिलाकर 1575 वैकेंसी फीमेल्स के लिए निकाला गया है, ठीक है ना, सिर्फ BSF का बात कर रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं CISF में, तो CISF में UR के लिए मतलब लड़कों के लिए 50 वैकेंसी निकाला गया है और EWS के लिए 9 वैकेंसी निकाला गया है, OBC के लिए 18 वैकेंसी निकाला गया है, SC के लिए 8 वैकेंसी निकाला गया है और ST के लिए 5 वैकेंसी निकाला गया है। तो टोटल मिलाकर CISF में लड़कों के लिए 90 वैकेंसी निकाला गया है और किस कैटेगरी के लिए कितना वैकेंसी निकाला गया है ये तो मैं आप लोगों को बता ही दिया हूँ। अब बात कर लेते हैं फीमेल का, लड़कियों के लिए CISF में कितना वैकेंसी निकाला गया है, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखना, जो जितने लोग CISF में ऑनलाइन कराना चाहती हैं तो देख लेना। यहाँ पर लड़कियों के लिए UR में 10 सीट है और EWS में 1 भी सीट नहीं है, OBC में भी 1 भी सीट नहीं है और SC में भी 1 भी सीट नहीं है, ST में भी 1 भी सीट नहीं है। तो टोटल मिलाकर सिर्फ 10 ही सीट दिया है CISF वाले में, ठीक है ना। तो पूरा ध्यान से आप लोगों को फॉर्म भरना है। अब बात कर लेते हैं CRPF का, तो जो CRPF वाला है इसमें मतलब लड़कों का UR के लिए आपका 3710 वैकेंसी दिया है और EWS के लिए आपका 878 वैकेंसी दिया है और OBC के लिए 1975 वैकेंसी है, SC के लिए आपका 1397 वैकेंसी है और ST के लिए 460 वैकेंसी है। तो टोटल मिलाकर 8380 वैकेंसी CRPF में लड़कों के लिए है, ठीक है ना। अब लड़कियों का भी देख लेते हैं, लड़कियों का UR के लिए 228 वैकेंसी है, EWS के लिए 52 वैकेंसी है और OBC के लिए 118 वैकेंसी है, SC के लिए 84 वैकेंसी है और ST के लिए 49 वैकेंसी है। तो टोटल मिलाकर लड़कियों के लिए 531 वैकेंसी निकाला गया है CRPF में, ठीक है ना। अब SSB का बात कर लेते हैं, तो SSB में UR के लिए जैसे लड़कों का 464 वैकेंसी है और EWS के लिए 54 वैकेंसी है, OBC के लिए 243 वैकेंसी है, SC के लिए 204 वैकेंसी है और ST के लिए 76 वैकेंसी है। तो टोटल मिलाकर 1041 वैकेंसी जैसे SSB में निकाला गया है लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए भी यहाँ पर दिया गया है, तो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखो लड़कियों के लिए UR के लिए 107 वैकेंसी निकाला गया है, उसके बाद से EWS के लिए 1 भी वैकेंसी नहीं है, ठीक है ना, SSB वाले में। और उसके बाद से आ जाता है आपका, ऊपर देख लेते हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन में पड़ जा रहा हूँ, SC के लिए 61 वैकेंसी है, ST के लिए 6 वैकेंसी है, ठीक है ना। तो टोटल मिलाकर SSB में लड़कियों का 243 वैकेंसी निकाला गया है। अब ITBP का बात कर लेते हैं, तो ITBP का आप लोग ध्यान से देख लेना, ठीक है ना। अब तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा, यहाँ पूरा कैटेगरी वाइज दे दिया है, ठीक है ना। और आसाम राइफल का देख लो, क्योंकि अभी आसाम राइफल की भर्ती जल्द ही की गई है ना, तो इसमें लड़कों के लिए UR के लिए 716 वैकेंसी है, EWS के लिए 169 वैकेंसी है, OBC के लिए 308 वैकेंसी है और SC के लिए 191 वैकेंसी है, ST के लिए 313 वैकेंसी है। तो टोटल मिलाकर 1697 वैकेंसी लड़कों के लिए आसाम राइफल में निकाला गया है। और यहाँ देखो लड़कियों के लिए सिर्फ नाम के लिए दे दिया यार, लड़कियों के लिए किसी भी कैटेगरी में मतलब एक भी वैकेंसी नहीं निकाला गया है। तो आप लोग सोच समझ कर फार्म भरना, ठीक है ना। बहुत सारी लोग रहेंगे जो आसाम राइफल में फार्म भर देंगी तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा गया है कि लड़कियों के लिए आसाम राइफल में एक भी जगह नहीं है, एक भी सीट नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ नीचे SSF का दिया है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से देख लेना, ठीक है ना। अब मिला जुलाकर जिसमें मतलब जितना सीट है आप लोग उसके हिसाब से ही भरना। अभी हम लोग सरकारी रिजल्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं और आप लोग देख सकते हो सबसे ऊपर लेटेस्ट जॉब में यहाँ पर दे दिया है SSC GD कांस्टेबल ऑनलाइन फार्म 2022। जब
27 पर क्लिक करेंगे तो सारा का सारा प्रोसेस खुल के आप लोगों के सामने आ जाएगा। देखो 27/10/2022 से इसका ऑनलाइन चालू हो गया है और लास्ट डेट 30/11/2022 तक रहने वाला है। अगर जनरल OBC EWS कैटेगरी से रहोगे तो आपका एप्लीकेशन फीस 100 रुपया लगेगा, अगर SC ST से रहोगे तो आपका एप्लीकेशन फीस 1 रुपया नहीं लगेगा, और आल कैटेगरी फीमेल जैसे फीमेल का भी 1 रुपया फीस नहीं लगेगा, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं इसमें एज कितना मांगा है, तो एज में कितना छूट मिला है वो तो मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन में ही दिखा दिया हूँ। और यहाँ पर देखो मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 23 साल होना चाहिए। एज में कैटेगरी के हिसाब से छूट भी दिया गया है, तो उसको आप लोग देख लेना कि आप किस कैटेगरी से आते हो, ठीक है ना। और देखो जितना भी मैं आप लोगों को बताया हूँ ना, जैसे BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में 10,497 वैकेंसी है और ये भर्ती 10 पास से है। मिला जुला कर ये सारी की सारी भर्तियाँ 10 पास से है। यहाँ पर लिखा गया है हाई स्कूल पास किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से, ठीक है ना। अगर CISF का बात करते हैं तो CISF में टोटल 100 वैकेंसी है और CRPF में टोटल 8,911 वैकेंसी है और SSB में टोटल 1,284 वैकेंसी है और ITBP में टोटल 1,613 वैकेंसी है, आसाम राइफल में टोटल 1,697 वैकेंसी है। अभी आप लोग आसाम राइफल का भर्ती देखने गए थे ना, देखो SSC GD में भी आसाम राइफल का भर्ती निकाल दिया और पहले भी 1200 कुछ वैकेंसी निकाला गया था, तो काफ़ी अच्छी है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो SSF में टोटल 103 वैकेंसी है और NCB में टोटल 164 वैकेंसी है। तो मिला जुला कर सारे वैकेंसी के बारे में मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। लोग पूरा वीडियो देखे होंगे, उनको SSC GD भर्ती के बारे में पूरा का पूरा बात बिल्कुल आसानी से पता चल गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि जब वो लोग SSC GD का ऑनलाइन कराने जाएंगे तो उसी में ऑनलाइन कराएंगे जिसमें ज़्यादा सीट है और जिसमें उन लोगों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। मैं अभी आप लोगों को दिखाया हूँ ना, कोई कोई सा ऐसा पोस्ट है जिसमें मतलब एक भी वैकेंसी नहीं निकाली गई है, तो उसमें ऑनलाइन कराकर क्या करोगे मेरे भाई। बहुत सारे लोग यही गलती कर देते हैं और बाद में पछताना पड़ता है, तो पछताने वाला काम नहीं करना, ठीक है ना। और जितने लोग भी इस बार SSC GD में ऑनलाइन कराने जा रहे हो, अच्छे से तैयारी में लग जाना, क्योंकि इसका जैसे पेपर जनवरी में करा दिया जाएगा, ठीक है ना। अब जनवरी के पहली तारीख से शुरू होगा या 20 तारीख से शुरू होगा या 25 तारीख से शुरू होगा किसी को भी पता नहीं है। अभी SSC ने कुछ दिन पहले जैसे अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर एक कैलेंडर जारी किया था और उसमें बोला था ना कि दिसंबर से इसका ऑनलाइन शुरू होगा, लेकिन देखो अभी से इसका ऑनलाइन शुरू हो गया है, तो कभी भी इसका पेपर करा सकता है। पेपर कराए जाने के बाद दौड़ कराया जा सकता है, तो मिला जुला कर भाई कभी मतलब भरोसा नहीं करना, ठीक है ना, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए अभी से सभी लोग तैयारी में लग जाना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।